हमीरपुर जिले के कस्बे मौदहा में रहमानिया इंटर कॉलेज मौदहा में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिनांक 9 जुलाई 2019 को VMHS रहमानिया इंटर कॉलेज मौदहा में बालिका सुरक्षा संगठन पर विद्यालय की छात्राओं और अध्यापकों के मध्य चर्चा हुई, जिसमें लाली देवी ANM, रजिया बानो आंगनबाड़ी, रजनी सोनकर आंगनबाड़ी एवं प्रशिक्षण संतोषी शर्मा शिवानी, श्यामराज सिंह, योगेश कुमार कार्यक्रम का शुभारंभ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फरीदुद्दीन और पप्पू चेयरमैन के हाथों से किया गया है। आरिफ उल हक सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चौधरी जवीर उद्दीन एवं समाज सेवी मकसूद अहमद लाल मास्टर मौजूद रहे। रहमानी इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर रजिया सुल्तान ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए यह कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सरकार कई ठोस कदम उठा रही है। सरकार द्वारा बालिकाओं की सुरक्षा के लिए टोल फ्री नंबर भी मुहैया कराए गए हैं, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना करने में दिक्कत नहीं होगी। वह अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस करेंगी, यही बात प्रधानाचार्य डॉक्टर रजिया सुल्तान ने कविताओं के माध्यम से बालिकाओं को समझाया। And I would like to say really heartily gratitude to ma'am Santoshi ji actually, who had really described how can you save yourself if you are in trouble. 1090, 1098 and 100 and 108. These are the helpline numbers to each and every girl as well as for the boys. तो बच्चों आपके लिए बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स। TV1 इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, बुंदेलखंड, जहां महिला सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं अपराध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, ताजा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना स्वार क्षेत्र के रज्जा वाले गांव से सामने आया है। उसके सगे चाचा ने अपनी मन बुद्धि भतीजी को ही अपनी हवस का शिकार बनाया। 3 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जब मन बुद्धि भतीजी गर्भवती हो गई तो चाचा जितेंद्र ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। काफी दिन तक भतीजी ने किसी को नहीं बताया। एक दिन मन बुद्धि भतीजी ने अपनी माँ को बताया। माँ ने तुरंत ही स्वार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, पर पुलिस ने डांट कर भगा दिया। आखिरकार माँ अपनी बेटी को लेकर एडिशनल SP अरुण कुमार सिंह के पास पहुंची और अपनी तहरीर एडिशनल SP को दी। उनके आदेश पर स्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। वहीं पीड़ित की माँ ने बताया कि मैं मायके गई हुई थी। जब मैं घर लौटी तो मेरी बेटी ने मुझे बताया, तो मैं तुरंत बेटी को लेकर स्वार कोतवाली पहुंची, जहां मैंने शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने वहां से मुझे भगा दिया। आज मैं एडिशनल SP अरुण कुमार सिंह से मिली हूं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है जल्द ही आरोपी को वो गिरफ्तार कर लेंगे। और वहीं एडिशनल SP अरुण कुमार सिंह ने बताया, एक महिला शिकायत करने आई थी, उसका कहना यह था मेरी बेटी मन बुद्धि है, उसके साथ चाचा ने दुष्कर्म किया है, शिकायत दर्ज कर ली गई है, मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निशा जी कहाँ रहती हो, कौन से गांव रहती हो? रज्जा वाले में। क्या हुआ है आपके साथ?
हुआ आपके साथ? मेरे चाचा ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। क्या हुआ, क्या करा उन्होंने? मेरे साथ जबरदस्ती की। आपके साथ गलत काम किया कोई? हाँ। तो कब से कर रहे थे वो? तीन चार महीने से कर रहे थे। तो आप इस समय प्रेग्नेंट भी हैं? हाँ। तो क्या नाम है आपके चाचा का? जितेंद्र। जितेंद्र कहाँ रहती हो? जवाहर मंदिर। ये आपकी लड़की के साथ क्या क्या हुआ है बताएंगे? हाँ, मेरी लड़की साथ में मेरे चाचे देवर ने बलात्कार करा था और फिर कई महीने तक लगातार करा था। मेरी बेटी ना मेरे चचे सास से बताया, रजनी से बताया, रीनी से बताया, राजीव से बताया, जाचरण से बताया, किसी ने भी हुंकारी नहीं मानने की धमकी दी थी मेरी बेटी को। मेरी बेटी ने कहा था मैं माने धमकी मत दो, सच सच मेरे जोगी जो प्रिंग है मेरे अंदर जो 3 महीने चढ़ गए मुझे वो मेरी सफाई करा सकते हो। आपकी बच्ची इस समय प्रेग्नेंट है? हाँ। कितने महीने की? 3 महीने। 3 महीने। तो अब इस समय क्या कह रहे हैं वो इनके जो? वो कुछ नहीं कह रहे। तो इसमें आपने कोई कार्रवाई की है? हाँ, कार्रवाई की है मैंने। किसके थ्रू, मतलब किसको दिया है? प्रशांत साहब को। तो थाने में आपने आपकी नहीं सुनी गई? नहीं सुनी गई हूँ थाने में। क्या कह रहे थाने वाले? थाने वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे, झूठ बोल रही है, चाचा का हो सकता नहीं, झूठ है सर। थाना स्वार के अंतर्गत एक मामला आया है जिसमें चाचा ने अपनी भतीजी के साथ रेप किया है 4 महीने से, क्या है पूरा मामला? आज एक महिला शिकायत लेके आई थी, तो मायके गई हुई थी, उसकी एक नाबालिग बच्ची घर पे थी जो मंदबुद्धि भी है, उसकी नामौजूदगी में उसके चाचा ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसका आरोप है कि ये पता उसे चला जब पता चला कि बेटी प्रेग्नेंट है। तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में थाना स्वार में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, दबिश के लिए टीमें रवाना है और मैं विश्वास करता हूँ कि अतिशीघ्र इस मामले में गिरफ्तारी हो जाएगी और विवेचनात्मक कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करके माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए शिवम कुमार की रिपोर्ट, रामपुर। फिरोजाबाद के थाना मटसेना के ग्राम जमालपुर में खेत से हरा चारा लाते समय 11,000 का करंट लगने से देवेंद्र पुत्र राकेश उम्र लगभग 22 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिवार में मचा कोहराम, परिवार में अकेला पुत्र था, ग्रामीणों ने सबको रोड पर रखकर रोड को किया जाम। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीण कार्यवाही के साथ मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बोलो जी, हादसा हुआ था, तब तार कितने नीचे था, कौन सी कैसा क्या हुआ था? नीचे तार नहीं है, 4 फुट नीचे तार है, मेरे सर में कह रहे हैं। अच्छा, 4 फुट तो यहाँ ये कब से चल रहा है? कम से कम 2 साल से ज्यादा होगी। तो जेई वगैरह से आपने शिकायत की, किसी ने शिकायत सुनी है आपकी? तार लग रहे हैं, तब भी शिकायत की थी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मयंक शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। संदीप शुक्ला पत्रकार ने बेटी अनाया के अन्नप्राशन के मौके पर अपने आवास बावन मोहल्ला वीरम पट्टी में पार्टी का आयोजन कर करीबी लोगों को दावत का इंतजाम किया, जिसमें राजनीतिक, समाज सेवी, पत्रकार व पुलिस विभाग के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्य रूप से स्वर्ण चेतना सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदर्श दीपक मिश्रा, स्वर्ण चेतना सभा जिला अध्यक्ष आदर्श मिश्रा, नाजिम खां प्रधान, श्री कृष्ण पहलवान गुरुजी, शैलेंद्र सिंह गुरुजी, जगरूप यादव, चुन्ना शुक्ला योगी सेना जिला अध्यक्ष, प्रभारी निरीक्षक लोनार राजेश कुमार राय, चौकी प्रभारी बावन कप्तान सिंह यादव, सचिन मिश्रा जिला अध्यक्ष, व्यापार प्रतिनिधि मंडल, जिला व्यापार उपाध्यक्ष गौरव शुक्ला, देश दीपक, ज्ञानेश सोनी, अरुण वाजपेयी, उबेद खां पत्रकार, पप्पू आराम असीन, रामवीर यादव पत्रकार, सरस सिंह, मित्रों ने घर पहुंचकर बेटी अनाया को आशीर्वाद दिया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई।
जनपद कन्नौज के सौरिक में ट्रैक्टर बच्चे के ऊपर चढ़ने से 6 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक लोकेश पुत्र बीरेन निवासी राजा रामपुर सौरिक, ये बच्चा अपने ही खेत पर खेल रहा था। उसी खेत से मूंगफली काट रहे ट्रैक्टर ने जल्दबाजी करते समय बारिश आने की वजह से हड़बड़ाहट में कुछ न देखते हुए ट्रैक्टर बच्चे के ऊपर चढ़ा। चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो चुका है। मौके पर पहुंची पुलिस चालक की तलाश करने लगी। वहीं लोगों ने बताया कि मृतक 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। बड़ा भाई लकी सबसे छोटा भाई पीयूष है। मृतक की माँ रिंकी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। घटना साहब खेत में मूंगफली कटवा रहे थे, तो उसी ट्रैक्टर जो है रमन का था, नंगला पसा। बच्चे हमारे वहीं खेल रहे थे, एक ढेर से दूसरे ढेर पर काटने के लिए ले गए, तो उसको ड्राइवर को बहुत ज़्यादा जल्दी थी। हमने कहा कि बरसात अगर आएगी तो हमारी मूंगफली भीजेगी जल्दी, तो हमें होनी चाहिए, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। लेकिन वो हमारी बात को एक भी नहीं मानी और सीधे उन्होंने अपने ट्रैक्टर उठाया और दूसरे ढेर पर इतनी जल्दी से ले गया कि पीछे बच्चा खेल रहा था, बच्चे के ऊपर गाड़ी सीधे उसके ऊपर चढ़ गई। हमने जैसे ही चिल्लाया हमने कि गाड़ी मेरे बच्चे पे चढ़ गई, तो इतने में उन्होंने कहा कि अरे एकदम गाड़ी चढ़ गई, तो ब्रेक मारी तो बच्चे की पहिया जो है गाड़ी के ऊपर ही टिका रहा, बाद में पहिया हटाया गया। क्या नाम है आपका? बीरेंद्र सिंह। कहाँ रहते हो? राजा रामपुर। पिताजी का नाम? कोमल सिंह। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज। प्रथम स्थान मस्कनवा से मनकापुर रोड पर ग्राम गढ़ रही के पास, जहां पर हेड कांस्टेबल मुन्ना सिंह यादव द्वारा पेड़ को रास्ते से हटवा कर रास्ते को चालू कराया। यह घटना शाम 7:15 बजे के आसपास की है। दूसरी घटना में नगर क्रॉसिंग के पास बबूल का पेड़ रोड पर गिर जाने से रास्ता बाधित हो गया, जिसे चौकी इंचार्ज मस्कनवा राजकुमार सिंह तथा कांस्टेबल अजय कुमार निषाद द्वारा रास्ते से हटवा कर रास्ते को साफ कराया गया। यह घटना 8 बजे के लगभग की है। तीसरी घटना मांडा से आज्ञा माफी वाले रोड पर बास की कोठी गिर जाने से स्कॉर्पियो सवार परिवार बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी घाटे में चली गई। तत्परता से सूचना मिलते ही क्षेत्र में भ्रमण कर रहे सेकंड मोबाइल, जिस पर कांस्टेबल चेतन पांडे, हेड का सुधीर सिंह, कांस्टेबल अंगद यादव, प्राइवेट चालक मुन्ना यादव मौजूद थे। मौके पर पहुंचकर उनकी रक्षा करते हुए उनकी गाड़ी को खाद से बाहर निकालकर रोड को साफ कराकर उनके गंतव्य पर रवाना किया। यह परिवार नागपुर से बभनान था और वापस जा रहा था। पुलिस की इस तत्परता पूर्वक कार्रवाई से यह परिवार बहुत ही खुश हुआ तथा छपिया पुलिस को धन्यवाद देकर चले गए। यह घटना शाम 8:30 बजे की है। उस समय बरसात हो रही थी। मेरे द्वारा भारी बरसात को देखते हुए PRB को तथा सेकंड मोबाइल को, साथ ही साथ चौकी इंचार्ज को सतर्क दृष्टि रखते हुए तत्काल जनता की मदद करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। कहाँ से आ रहे थे आप? हम आ रहे थे बमनान से आ रहे थे, तो हम लोग रहने के नागपुर के हैं। तो गाड़ी आगे पेड़ गिरा हुआ था, इसलिए हम लोग पीछे बाइक ले रहे थे, वो गड्ढे में थोड़ा जाने से बच गए। तो इस मौके पे पुलिस आ गई, तो हमारी मदद की, उन लोग हमारे गाड़ी को निकाल दिए। कहाँ की पुलिस थी? पुलिस छपिया स्वामी नारायण छपिया मंदिर की, छपिया की थी पुलिस। छपिया पुलिस थी? छपिया की है ना? छपिया छपिया। क्या नाम पड़ेगा आपका? सिद्दीक। सिद्दीक। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग बमनान से आ रहे थे। बमनान कहाँ जा रहे थे? नागपुर जा रहे हैं। नागपुर घर है क्या आपका? हाँ, नागपुर मेरा घर है। कौन कौन था गाड़ी में? गाड़ी में मेरा भाई है, मेरी दीदी है, मेरे बच्चे हैं। अच्छा, मेरे। चलिए ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। आप लोग आए, हमारा हेल्प हुआ, आप लोग हेल्प किए, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। ठीक ठीक। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुनील वर्मा की रिपोर्ट, गोंडा। विद्यार्थी परिषद स्थापना दिवस 9 जुलाई से 13 जुलाई तक मनाएगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किसान PG कॉलेज बहराइच में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा, विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो देश ही नहीं पूरे विश्व में अपनी पहचान ज्ञानशील एकता के माध्यम से एवं अनुशासन से बनाई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने अभी तक कुल विद्यार्थी की संख्या में 23% तक अपनी पहुँच बनाई।
बनाई। इस बार विद्यार्थी परिषद 50 लाख छात्रों को अपने सदस्य बनाएगी। महाविद्यालय प्राचार्य एससी त्रिपाठी ने कहा कि हर छात्र को विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन से जुड़ना चाहिए और ऐसा संगठन जो कि ज्ञानशील एकता के माध्यम से छात्रों को एक नई दिशा प्रदान करता है और जिसका उद्देश्य राष्ट्र का पुनर्निर्माण है। ऐसे संगठन से छात्रों को कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। विभाग प्रमुख शिवम श्रीवास्तव ने कहा कि अभाविप ने स्थापना काल से ही छात्रों के साथ साथ समाज और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर जन आंदोलन एवं रचनात्मक कार्य किए हैं, जिसमें विद्यार्थी परिषद ने अहम भूमिका निभाई है। चाहे वह बांग्लादेशी घुसपैठ का विषय हो या फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे का, जैसे अनेक विषयों पर विद्यार्थी परिषद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। विद्यार्थी परिषद वर्ष भर कॉलेज कैंपस में अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के बीच में बने रहने का कार्य करते हैं। जिला संयोजक विवेक प्रताप सिंह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद में छात्रों को अनेक अधिकार के लिए 21 वर्ष आयु से घटाकर 18 वर्ष में अपना मत अधिकार उपयोग करने का अधिकार दिलाया। उन्होंने कहा, विद्यार्थी परिषद का मानना है कि विद्यार्थी कल का नहीं आज का नागरिक है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विभाग संगठन मंत्री हरिदेव सिंह, विभाग संयोजक रजत सिंह रैकवार, जिला सह संयोजक आदर्श शुक्ला, विभाग छात्र प्रमुख दिव्यांशी मिश्रा, जिला छात्र प्रमुख मुस्कान सिंह, तहसील संयोजक सत्यम जायसवाल, नीरज सिंह, अमित वाजपेयी, योगेश सिंह, राजा शुक्ला, रवि शुक्ला, विशाल सिंह, अमित शर्मा, शिवम मिश्रा, सूरज पांडे आदि सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए सुभाष जायसवाल की रिपोर्ट, बहराइच। स्थानीय तहसील मार्टिनगंज आजमगढ़ तहसील से सटा ग्राम बनगांव में नाली की सफाई ना होने के कारण 5 से 7 मकान वर्षों के पानी के चपेट में हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि तहसीलदार मार्टिनगंज जब बाजार में पानी जाम हुआ तो बाजार में नाली खुदवा कर पानी निकालने की व्यवस्था की गई। अब हम लोगों के घर में पानी जा रहा है, इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस विषय पर जब हम लोग मार्टिनगंज तहसीलदार से बात करने गए तो बिना बाइट दिए मौखिक ने कहा कि सूखा मौसम हो जाए तो मशीन द्वारा नाली की सफाई की जाएगी। आधा दर्जन मकान में रहने वाले काफी परेशान लोग दिखे। स्थानीय प्रशासन से मीडिया द्वारा मदद की गुहार लगाई गई। मौके पर मोहित यादव, रामजीत यादव, जैतून जायसवाल, ओम प्रकाश यादव, रविंदर यादव, दया शंकर, चेत नारायण आदि मौजूद रहे। घर डूब रहा है, कितने घर है? यहाँ पर 4-5-6 घर तो इतना परेशान है की हम लोग को लैट्रिन, बाथरूम, बच्चों को कराना, अपना जाना, खाना खाना हम लोग को दुश्वार हो चुका है। घर गिरने वाला है, घर में पानी घुस रहा है, नहीं घर पर बह रहे हैं, सब सारा पानी हमको डूबो रहा है सर। इसीलिए हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आ रहा सर। हमारा सहयोग किया जाए प्रशासन, हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी से हमारा बहुत करवध प्रार्थना है कि हमको अगर हमारी दुनिया और हमारे समाज में और हमारे हिंदुस्तान में अगर हमारा हक हो तो हमको बचा लिया जाए, नहीं तो सर आपकी कोई जिम्मेदारी ना हो तो सर हमको छोड़ दिया जाए, हमको अनाथ हो जाने दीजिए सर, हम क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए रामायण सिंह की रिपोर्ट, आजमगढ़। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे के किनारे ढाबों पर छापामारी शुरू कर दी। इसी दौरान प्रशासन ने सिकंदराबाद NH91 प्रतिष्ठित ऐसा ढाबा बंद कराया है। हुबहू अनुबंधित ढाबे की शुल्क देकर यह सालों से चलाया जा रहा है और इस ढाबे पर एक्सपायरी सामान के साथ कई खराब खाद्य पदार्थ लेके जा रहे। इसमें सबसे बड़ी यह बात थी चालक परिचालक की मिली भगत। इस ढाबे पर हर रोज सैकड़ों उत्तर प्रदेश परिवहन की बस रोकी जाती थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के सिकंदराबाद डिपो के ARM पर सवाल ने भी लाजमी है, क्योंकि अब तक इन दावों पर न सिर्फ रोडवेज में सवार यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है बल्कि बसों को अनुबंधित ढाबे पर न ले जाने से हर रोज राजस्व को चूना लगाया जा रहा था। खैर, यह ढाबा अब तक किसकी सह पर चल रहा था वो अभी जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल बुलंदशहर SDM ने अपनी टीम के साथ पहुँच कर ढाबे को बंद कर दिया है, जबकि ढाबे से बरामद कुछ खराब और एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को खाद्य सुरक्षा विभाग से नमूने जमा कर जांच के लिए भेज दिया गया है। सर, कल आपके द्वारा एक सिकंदराबाद क्षेत्र में एक ढाबे पर छापा मारा गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी चीज़ें जो थी नकली थी और कुछ एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक और बाकी चीज़ें भी मिली हैं, सर क्या प्रॉब्लम है? कल मैं SPCD साहब और SDM सिकंदराबाद से सिकंदराबाद साथ हम लोग NH और आसपास भ्रमण कर रहे थे। उस समय एक ढाबे पर जिस पर 4-5 रोडवेज की बसें भी खड़ी थी, काफ़ी पैसेंजर्स थे, अचानक उसको जा करके देखा गया, चेक किया गया तो वहाँ पर जो खाद्य पदार्थ लोगों को दिए जा रहे थे वो प्रथम दृष्टया अधोमानक या बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे,
तो तत्काल फूड सेफ्टी की टीम को बुला करके सभी के सैंपल करा दिए गए हैं और कुछ चीज़ें वहाँ पर एक्सपायरी डेट की मिली थी या कुछ सड़े गले हुए, इनका सबका सैंपल करा दिया गया है और रेगुलर सैंपलिंग करने के लिए अभी अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। और रोडवेज के जो भी एम्प्लॉई थे, चूँकि इलीगल कट बना करके वहाँ पर खड़े होते थे, उन्हें निर्देश दे दिया गया है कि इलीगल कट के माध्यम से यहाँ पर बसें नहीं खड़ी करेंगे और भविष्य में इन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है और रेगुलर सैंपल लिया जाएगा जिससे अधोमानक चीज़ें यात्रियों को न खिलाया जा सके। तो क्या सीज भी किया गया था? इनका कुछ सामान सीज किया गया, एसडीएम सिकंदराबाद द्वारा सीज भी किया गया है और आगे भी चूँकि रेगुलर होगा, हफ्ते में कम से कम एक बार दो बार सैंपल कराया जाएगा, क्योंकि जो प्रथम दृष्टया कुछ चीज़ें लग रही थी वो अधोमानक हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई किया जाना ज़रूरी है। और जो इन्होंने एक्सपायर चीज़ें बेची हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर को निर्देश दिए गए हैं कि एक्ट के तहत इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बुलंदशहर। सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि यह मासूम बच्चा दिनांक 9 जुलाई 2019 को अपने परिजनों से बिछड़कर आदमपुर पुलिस को राजघाट पर मिला था। इस बच्चे की उम्र लगभग 5 वर्ष है जो कि बोल नहीं पा रहा है। इस बच्चे के संबंध में अगर कोई भी सूचना मिलती है तो कृपा थाना आदमपुर पुलिस को या सोशल मीडिया या वाराणसी पुलिस को दे। टी1 इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर।